महाराष्ट्र की सियासत में इस बार का दशहरा ऐतिहासिक रहा। दशहरे के दिन शिवसेना के दोनों धड़ों ने अपनी अपनी रैली की और एक दूसरे पर जमकर शब्दों के बाण चलाए। शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जहां उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बगावत को गद्दारी बताया, वहीं शिंदे ने अपनी बगावत को गदर कहा। दोनों गुटों ने रैली के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि शिंदे की रैली में जो खास बात नजर आई वो थी मंच पर शिंदे के साथ बाला साहेब के पुत्र जयदेव ठाकरे की मौजूदगी। शिंदे के मंच पर जयदेव की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे भी नजर आईं। बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे एक जमाने में शिवसेना में काफी सक्रिय हुआ करती थीं, लेकिन उद्धव की कमान संभालने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। वहीं बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे उनसे दोगुने समय तक बोले। उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों ने ही शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपना दावा ठोका और अपने आप को हिंदुत्व का असली सिपाही बताया। शिवाजी पार्क में उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर उद्धव गदगद नजर आए और कहा कि इस तरह के प्यार को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एकनाथ शिंदे और उनके कैंप में शामिल लोग धोखेबाज हैं। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे पैसों से लाया गया है, यही ठाकरे परिवार की विरासत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी थी वो साजिश रच रहे थे, ऐसा फिर से नहीं होगा, लेकिन वो भूल गए कि मैं सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे हूँ। शिंदे गुट को गद्दार बताते हुए उद्धव ने ये भी कहा कि इस विशाल भीड़ को देखकर गद्दारों को डर लग रहा होगा। ठाकरे ने कहा कि इस साल का रावण अलग है, रावण के 10 सिर हुआ करते थे लेकिन इस रावण के 50 सिर हैं। उद्धव का इशारा दल बदलने के लिए विधायकों को दिए गए कथित 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की तरफ था। दूसरी तरफ बीकेसी मैदान में रैली कर रहे शिंदे भी कहां नरम पड़ने वाले थे। शिंदे भी खूब गरजे और कहा कि शिवसेना ना उद्धव ठाकरे की है ना एकनाथ शिंदे की है, ये शिवसेना सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के विचारों की है। विरासत विचारों की होती है और हम बाला साहब ठाकरे के विचारों के असली वारिस हैं। ठाकरे पर बरसते हुए शिंदे ने कहा कि आप हमें गद्दार कह रहे हैं, लेकिन हमने जो किया वो गद्दारी नहीं है, वो गदर है। गदर का मतलब होता है क्रांति, हमने क्रांति की है। उद्धव पर हमला बोलते हुए शिंदे ने कहा कि आपने बाला साहब ठाकरे के विचारों को बेच दिया और हम पर आरोप लगाया कि बाप चुराने वाली टोली पैदा हो गई है। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कई बार बाला साहब ठाकरे की विरासत का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने उन सभी लोगों से हाथ मिलाए जिन्होंने हमेशा बाला साहब का विरोध किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।